बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सीन दरअसल कुछ ये है कि मैं जा रहा हूँ अपने सिस्टर की तरफ, तो अभी सुबह सुबह निकले हैं, नमाज़ पढ़ी है तो नमाज़ पढ़ के हम जा रहे हैं सिस्टर की तरफ, तो बाकी हाल वाल फिर रस्ते में करते हैं। हमें तकरीबन उनके घर पहुँचने का तकरीबन 27-28 किलोमीटर का फासला लग जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फासला आता है। कोई पकरसा भी आता है सेंटर में, कचरसा भी आ जाता है और दरमियान में रेलवे ट्रैक भी आएगा। तो आपके साथ है ये सब कुछ शेयर करता चलता हूँ, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। रेलवे फाटक पे हम पहुंच चुके हैं। फाटक अभी हाफ बंद ही है, शायद ट्रेन अभी थोड़ी देर पहले गुजरी है, तो अभी हमने अल्लाह ताला के फजल करम से फाटक को सलामत क्रॉस कर लिया और अब हम अपने मंजिल की तरफ रवाना हुआ हैं। पेट्रोल पंप आ गया है, अब हम पेट्रोल डलवाएंगे क्योंकि देहाती इलाकों में दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं होता, तो इसलिए ये रिस्क नहीं ले सकते कि पेट्रोल कहीं और से डलवाना है, यहीं से पेट्रोल डलवा लेंगे ताकि वापसी पे हमें कोई तंग ना होना पड़े। अल्लाह ताला के फजल करम से हम उनके घर में पहुंच गए हैं। अरबी में गाय कहते हैं वैन वटे आप गाय कहते हैं इन्हों गांू तो ना ना बकर कहते सर कहते आप बकरी कहने उर्दू आहो उ बंदे ही है वो तो माता कहते अपने पेशाब पीते शक कडो उस चीज नो कहीं उठ के आ गए रात हूं नींद ना आवे याद फोन घुमाइए घुमाइए कह पाई मिया सुनी असि भी गल आ पर असि हम तस्वीर सुबह हम वक्ती वक्ती घर से निकले थे तो नाश्ता घर से नहीं किया था, तो अब नाश्ता यहाँ से करेंगे। नाश्ते में माशाल्लाह इन्होंने हमें अचार पराठा और साथ में चने हैं और साथ में अंडा बनाया हुआ है, तो नाश्ता करके अभी फ़ारग हुआ हूँ, तो अभी घर का इधर उधर राउंड लगा रहा हूँ और देख रहा हूँ। माशाल्लाह इन्होंने मुर्गे वगैरह भी पाले हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह का माहौल देख के मुझे। घर का चक्कर लगा के फारग हुआ तो भाई ने कहा कि चलो रकबे चक्कर लगा के आते हैं, तो फिर हम रकबे का चक्कर लगा रहे हैं और उनकी ज़मीन वगैरह घूम रहे हैं। माशाल्लाह ज़मीन की देखभाल के लिए उन्होंने खाद वगैरह अच्छे से डाली हुई है, जिस तरह ज़मीन बिल्कुल नरम हो गई है और कपास की फसल भी माशाल्लाह बेहतरीन उगी हुई है,
जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी फसल है और बिल्कुल इस तरह मॉडल फार्म लग रहा है बिल्कुल। भाई वालों ने खरबूजे वगैरह भी उगाए हुए हैं तो अभी कपास की फसल घूमेंगे और फिर खरबूजे की बेलें भी चेक करेंगे जहाँ पे खरबूजे वगैरह माशाल्लाह पके हुए हैं, कुछ अभी कच्चे हैं तो आपको उसका नज़ारा करवाता हूँ। ये हैं जी माशाल्लाह खरबूजे भाई वालों ने भेजे हुए हैं जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में हैं, ना इनमें कोई इस तरह की आलूदगी वाला साफ है, साफ़ पानी लगा हुआ है और माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन प्यारे लग रहे हैं। रकबे से चक्कर लगा के पहुँचे हैं तो कस्टर्ड तैयार है तो अभी कस्टर्ड एंजॉय करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है तो अभी हम इसको एंजॉय करेंगे और फिर इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर घर को निकलेंगे। बोतल पीछे चाह पीछे हर चीज वही कई अच्छा ना मुलो घूमियो असद पूरा दुनिया ने छोड़ी मां जी फैसल मस्जिद मेहर अली गोला शरीफ ये सारा सदर के गेट तक में आया मदद चले इन ताजे चौधरी का घर में सत्तर अस्सी हाई एसी है सामान। शाम होने को है, सूरज मगरब में ग्रुप होने की तरफ जा रहा है और गर्मी की शिद्दत में भी कुछ ना कुछ कमी हुई है। आज का व्लॉग बस इतना ही, अगले व्लॉग कर दिले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।